साफ हो जाए। अजीज खान, देखिए आप उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी हैं, इसलिए मुझे आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा। आपने बोला दोनों तरफ से पत्थर चलाए गए और दोनों तरफ के पत्थर दिखाने चाहिए, चलने चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज एक पोस्टर भी जारी हुआ है जिस पोस्टर में 40 दंगाइयों की तस्वीर जारी हुई है, उनको पहचानने, अगर उसके अंदर जो भी पत्थरबाज है वो किस धर्म का है, धर्म तो मैं नहीं जानता, वो किस तरफ का है, वो तरफ भी मैं नहीं जानता, मैं तो एक ही तरफ जानता हूं जो देश की तरफ होती है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उन 40 में से अगर आपको कोई पहचान में आता हो, अगर आपको लगे आपके कार्यकर्ता को कोई पहचान में आता हो, तो उस पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई करने के लिए आप भी अपनी टीम को बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। इसलिए 40 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पत्थर फेंकते हुए तस्वीरें जारी हुई है। ये एक एक तस्वीर आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 तस्वीरें जारी हुई है। ऑलरेडी 40 लोग अरेस्ट किए गए हैं, ये 40 लोग हैं जिन्होंने पत्थर चलाए, इनकी तस्वीर जारी हुई है आज के दिन। क्या आपको लगता है कि अगर इनमें से जो भी है, इनका जो भी धर्म है, जो भी इन्होंने करा हुआ है, इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसमें आप एक तरफा देख रहे हैं? अमीश जी, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, लेकिन पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। कैसा पक्षपात? जो आरोप लग रहे हैं, कैसा पक्षपात, थोड़ा इलैबोरेट करिए। आज पुलिस पक्षपात क्या है वहां पे, और उसके बाद सेकेंडली आप मीडिया ट्रायल चल रहा है, पक्षपात क्या? नहीं, आपने बड़ा आरोप लगाया कि सरकार पक्षपाती कार्रवाई कर रही है, पक्षपात क्या, ये बताइए ना क्लियरली। आप खुद समझ सकते हो, समझाइए। मैं नहीं समझ पा रहा कि जिस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, यह दुखद है। अगर वाकई में जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पत्थर दोनों तरफ से चलाए गए नहीं, ये 12 नंबर वाले का धर्म आपको कैसे पता लग रहा है? मिलनी चाहिए ना, 12 नंबर वाले का धर्म आपको कैसे पता लग रहा है? ये 16 नंबर वाले का धर्म आपको कैसे पता लग रहा है? कईयों का तो धर्म आप टोपी से पहचान रहे होंगे, उस वजह से ये 12 नंबर और 16 नंबर वाले का आपको धर्म कैसे पता लग रहा है? कौन है ये आदमी, कौन है ये तो आप बताएंगे ना? नहीं, आप बताइए ना, आपने मुझे बोला ना कि एक धर्म विशेष में कार्रवाई हो रही है, आप मुझे फुटेज लाके दीजिए अगर जहां से पत्थर चले। अगर अमीश देव 23 नंबर वाले का धर्म कैसे पता लग रहा है? 23 नंबर वाले का धर्म कैसे पता लग रहा है? अवनीश अवस्थी, धर्म देख के कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार? मेरी सरकार तो है नहीं, बड़ी साफ सी बात है अमीश जी, लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि जुम्मे के दिन मस्जिद के बाहर अगर हिंसा होती है, प्रोवोकेशन होता है, और सिर्फ ये पहला मौका नहीं है, ये पहला अवसर नहीं है। मैं अजीज खान से पूछना चाहता हूँ, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है आज़ाद मैदान में, वहाँ की जवान ज्योति जलाई जाती है, मीडिया वालों के कैमरे तोड़े जाते हैं, पीटा जाता है, क्या था वो? तोड़ी जाती है, क्या था वो? उसके बारे में आप ये कहेंगे कि एक धर्म के साथ पक्षपात किया जा रहा है, ये कहेंगे ना? आप यही कहते आए आप इतने सालों से। लेकिन बात यह है, असल बात यह है कि इस देश की बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक में मैं बहुसंख्यक समुदाय नहीं कह रहा हूँ, बहुसंख्यक जनता कर रही, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बाकी लोग भी हैं, वो सब समझ गए हैं कि वास्तव में ये कुछ लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग जो हैं, इस देश के उस वातावरण को खराब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। वो किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, वो किसी का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। और अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है कि आपने देखा कि सिर्फ एक नहीं, आपने तो वीडियो ये दिखाया है, पत्थर चलते हुए दिखाया है, इसके पहले एक वीडियो आया जिसमें मीटिंग हो रही है, और मीटिंग में बाकायदा तय किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप लोग तैयार हैं ना बंद के लिए, क्या क्या करना है, किसने क्या करना है, ये सब कुछ है, व्हाट्सएप चैट है, सारे इंटेलिजेंस फेलियर है, ये एक सवाल लाजमी है। देखिए, अजीज भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वारिस भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वारिस पठान, क्या आपको लगता है दंगा ब्रिगेड का धर्म नहीं देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है? देखिए अमीश भाई, सबसे बात, आपके चैनल पे कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं दिख रहा है बीजेपी का, अफसोस है। चलिए आगे चलते हैं। वायलेंस हर तरह का मैं कंडेम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा वायलेंस। संविधान ने अधिकार दिया है हमको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं पूरी तरह से इस मसले पर कानपुर में यूपी की सरकार फेल हो चुकी है, इंटेलिजेंस टोटल फेल हो चुका है, यूपी के अंदर रूल ऑफ लॉ बचा ही नहीं। जिस दिन वहां पे प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, मुख्यमंत्री, उस दिन इस तरह की अगर घटना होती है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ सरकार को जवाबदारी लेना चाहिए कि हाँ, हमारी फेलियर की वजह से ये हुआ। अब ये हुआ क्यों? जो मेन फसाद की जड़ है, जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी अब्रप्ट टिप्पणी कर दी थी,
उसके प्रोटेस्ट में कि हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया, उसको अरेस्ट नहीं कर रही है बीजेपी सरकार। हम 10 दिन से चिल्ला पुकार कर रहे हैं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान बोल रहा है कि इसने देश का ही नहीं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के सेंटीमेंट को हर्ट किया है, हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है, उसको अरेस्ट करो। तो अरेस्ट नहीं कर रही है सरकार। एक मामूली सी ट्वीट अगर कोई मोदी के बारे में कर दे तो उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यहां पर 40 बच्चों को अरेस्ट कर लिया एनएसए के तहत, मगर जो फसाद की जड़ है, 40 बच्चों को इसने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो पत्थर चला रहे थे बीजेपी की। वो 40 जो आपको बच्चे लग रहे हैं वो 40 दंगाई है। मिल गया हमारी बात, वो जो 40 बच्चे लग रहे हैं वो 40 दंगाई है। मुल्क ने एक्शन लिया, अरब देश ने एक्शन लिया, तब मोदी जागे और क्या क्या सारे एम्बेसडर को बुला रहे अरब देश, आइए आइए माफी मांगिए, आपने गलती की भारत के अंदर, तब पूरा देश का नाम खराब करके बैठ गए। फिर भी यहाँ पर उसको जेल में नहीं रहना, अब तक आपने 40 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया। बात नंबर 2, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट करूंगा। कौन सा देश बोला? 10 सेकंड में मेरी बात को एकदम हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, कौन सा देश बोला? वीडियो दिखा रहे हो, कौन सा देश बोला? ये हिंदुस्तान मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लोगों को सोचना पड़ेगा। ये एक सेकंड वीडियो दिखा रहे हैं, वाले भी पथराव कर रहे हैं और ये वीडियो ट्विटर पे वायरल है। नहीं देखिए, मैं ट्विटर में मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिलीज कर रही है। मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिलीज कर रही है। मैंने 40 लोगों का पोस्टर वो दिखाया जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रिलीज करा, और आपको 40 बच्चे दिख रहे होंगे, मुझे 40 दंगाई दिख रहे हैं जो पत्थर चला रहे हैं। अगर किसी ने गलत बोला है, अगर किसी ने गलत किया है, तो कानून अपना काम करेगा, उसका फैसला भीड़ नहीं करेगी। आप ही कहते हैं कि भीड़ तंत्र फैसला करेगा, अगर किसी ने गलत कहा है, गलत किया है, किसी ने गलत करा है तो क्या भीड़ फैसला करेगी? अगर सड़कों में भीड़ फैसला करेगी तो कानून और संविधान की किताब क्यों नहीं खिंचाते हो? नहीं, अगर भीड़ों ने ही फैसला करना है, अगर नहीं, देखिए वारिस होल्ड ऑन यू मेड अ पॉइंट, यू मेड अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर एडवोकेट बाय प्रोफेशन, होल्ड ऑन वारिस पठान, यू सेड कि देखिए ये तो इसके कारण में जाना चाहिए। एक मुझे बताइए, आपको दो वीडियो दिखाने, आप दिखाइए, आप स्वतंत्र है अपनी बात को लेकर, आपकी जिम्मेदारी है जो आप वीडियो दिखा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन, डू यू ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है, एक ही समुदाय को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वारिस के सोना, वारिस पठान मुंबई में रहते हो, डेनमार्क में कार्टून बनता है, हिंदुस्तान के लोगों की दुकानें, मकाने, गाड़ियां क्यों जलाई जाती हैं? क्यों टारगेट किया जाता है? एक सेकंड, मैं अरे मुंबई में हिंदुस्तान में रहते हैं, कतर के अंदर एम्बेसडर आप ये बताइए ना, बोला जाता है, अरे उसका तो जवाब दो ना पहले भाई, बोला जाता है जर्मनी में कोई ईरान वाले होता है, जर्मनी में कोई बात होती है, मध्य प्रदेश के लोगों की दुकानें जला दी जाती है। एक सेकंड अमीश भाई, हमारे देश का नाम, ये कहते हो आप कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी है, 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं, हमारे देश में नहीं होता। यही वक्त था ना आपका, किसान में गुस्ताखी की, वारिस 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं, अरे अवस्थी उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरे सवाल का जवाब दो, अवस्थी उसके साथ क्या किया जाना चाहिए जो कहे कि 15 करोड़ 100 करोड़ रुपए भारी हैं? उसके साथ क्या कहा जाना चाहिए? उसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए? उसके साथ क्या बर्ताव किया जाना चाहिए जो ये कहे कि 100 करोड़ रुपए 15 करोड़ भारी है? एक एक करके बोलिए वारिस, आप पहले बोल लीजिए, सेकंड फिर मैं अवस्थी जी को मौका दे दूंगा। रागिनी नायक भी इंतजार कर रही है, सुभाष भी इंतजार कर रही है, मौसीम रजा भी इंतजार कर रहे हैं, बुलडोजर चलेगा उसके भी जुड़ गए। ओके, एक सेकंड देखिए वारिस, मुसलमान पहले वारिस को बोल लीजिए, वारिस आप अपनी बात को कीजिए, आपको क्यों लगता है ये एक तरफा कार्रवाई है धर्म विशेष की तरफ? निष्पक्ष इंक्वायरी करे, जो भी गिल्टी है उसको सजा दे ना, मगर उसके पहले जो मेन फसाद जिसकी वजह से हुआ, उस प्रवक्ता का फ्रिंज एलिमेंट कहाँ है, उसको कब सजा मिलेगा? अमीश भाई मेरा सवाल ये, शिवलिंग के बारे में जिसने किया उसने क्या क्यों होना चाहिए? शिवलिंग को जिसने कतर में जाके बोलो, बताइए तुमको जवाब मिलेगा, उसके साथ क्या कतर में जाके बोलो जवाब मिलेगा? आप जैसों की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है, ये फ्रिंज एलिमेंट है यार, भाजपा का स्पोक्स पर्सन है पहले तो क्लियर। अरे भाई, अरे आपको लगता है ना भाई, आप फ्रिंज एलिमेंट क्यों नहीं है? आप फ्रिंज एलिमेंट क्यों नहीं है? आप सुनिए, आप सुनिए, आप